नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी है। वहीं उत्तराखंड की घटना में अभी तक 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 171 की तलाश अब भी जारी है। लापता लोगों के परिजनों का कहना है कि अब उनके जीवित होने की उम्मीद नहीं, बस बॉडी रिकवर हो जाए ताकि हम अंतिम संस्कार कर सके। सचिन चौधरी लगातार 8 घंटे अपने भाई को तलाशते रहे। वे कभी पुलिस अधिकारियों से मदद मांगने गए तो कभी उस कंपनी के लोगों को तलाशने की कोशिश करते रहे जिस कंपनी के काम से उनका भाई उत्तराखंड के रैणी गांव आया था, और कभी स्थानीय लोगों को अपने भाई की तस्वीर दिखा दिखा कर उसके बारे में पूछते रहे। लेकिन ये सब करने के बाद भी उन्हें अपने भाई की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। बता दें कि सचिन का भाई विक्की चौधरी हरिद्वार में नेशनल इलेक्ट्रिकल्स नाम की एक कंपनी में काम करता था। 3 दिन पहले ही उसकी कंपनी ने 2 लोगों के साथ उसे उत्तराखंड के रैणी गांव में स्थित ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस के काम के लिए भेजा था। रविवार की सुबह जब रैणी में ऋषि गंगा तबाही लेकर आई, उस वक्त ये सभी लोग ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उसके बाद से इनमें से किसी की कोई सूचना नहीं है। सचिन ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जो अपने परिजनों को तलाशते हुए रैणी गांव के आसपास बेतहाशा रोते हुए घूम रहे हैं। यहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं, जिनमें से किसी को अपने बेटे की तलाश है तो किसी को अपने पिता की। हिमाचल के शिमला जिले से आए विकास और उनके साथी भी अपने अपने परिजनों की तलाश में यहाँ पहुँच रहे हैं। विकास कहते हैं, हमारे लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पर हिमाचल से यहाँ चले आए थे क्योंकि कंपनी को नुकसान हो रहा था, लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हो गया तो कंपनी की तरफ से ये भी नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग गायब हैं और उनके नाम क्या हैं। अपने लोगों को तलाश करते तमाम दूसरे परिजन भी यही आरोप कंपनी पर लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सागर चौधरी, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।